गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मृदा संरक्षण की जो तकनीक या विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मृदा संसाधन की जो समस्याएं थी, जिसमें मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है, हमने उस पर चर्चा की थी। इसके अलावा हमने उससे पूर्व संरक्षण पर भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम मृदा संरक्षण की जो विधियाँ या तकनीक हैं उनके बारे में बातें करेंगे। मृदा अपरदन एक महत्वपूर्ण समस्या बनता जा रहा, जिस तरह से मानवीय जो क्रियाकलाप हैं उसके कारण हमारी जो मिट्टी है उसका जो अनुपजाऊपन है वो क्या हो रहा है, निरंतर घटता जा रहा है। या अन्य जो क्रियाएं हैं उनके कारण प्राकृतिक जो गतिविधियां हैं उससे भी हमारी मृदा जो है वो क्या हो रही है, क्षयित हो रही है या उसका ह्रास हो रहा है। इसलिए मृदा संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। प्राकृतिक कारणों से तो धीमी गति से होता है, लेकिन मानवजनी जो क्रियाएं हैं वो मृदा अपरदन को तेज़ी से क्या करती हैं, या यूँ कहें कि उसके लिए अधिक उत्तरदायी माना जा सकता है, जो मृदा आवरण को तेज़ी से क्या करता है, नष्ट करता है। इसलिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमने कुछ विधियाँ अपनाई है जिनको अपनाया जाना आवश्यक है। इसमें पहला है वनस्पति आवरण व संरक्षी वनारोपण। मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए भूमि पर वनस्पति के आवरण को बनाए रखना अति आवश्यक है। वनस्पति आवरण से भूमि में नमी बनी रहती है और वर्षा की बूंदों के कारण मिट्टी का क्षरण नहीं हो पाता है। वनस्पति आवरण से मृदा के जो कण हैं वो आपस में संगठित रहते हैं। वनस्पति आवरण से जल प्रवाह की जो गति है वो भी धीमी हो जाती है, अर्थात जल रुक रुक कर बहता है। ऐसे में जो मिट्टी का कटाव है वो कम हो जाता है या बहुत क्यों कहें कि रुक जाता है, परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। वनस्पति आवरण को बनाए रखने के लिए संरक्षी वनारोपण किया जाना चाहिए। संरक्षी वनारोपण से तात्पर्य ये है कि मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो जो संरक्षी वनारोपण है उसकी दो विधियां हैं, नंबर एक जल को नियंत्रित करने के लिए संरक्षी वनारोपण और नंबर दो वायु को अवरोधित करने के लिए संरक्षी वनारोपण। मिट्टी को कटने से रोकने के लिए, यानी कि पानी जब प्रवाहित होता है तो उसकी तीव्र धारा के साथ मिट्टी की जो ऊपरी परतें वो बहकर चली जाती है। आपने देखा होगा वर्षा के दिनों में जब बारिश अधिक होती है और पानी एक जल धारा के रूप में आगे बढ़ता है तो मार्ग में पड़ने वाली जितनी भी जो मुलायम सतह है, यानी कि हमारी जो मृदा की मुलायम सतह है, ऊपरी परत है, उसको वो तेज पानी का तेज प्रवाह बहाकर अपने साथ ले जाता है। और उसके नीचे जब वो पानी ख़त्म होता है तो छोड़ जाता है मिट्टी के नीचे जो ठोस सतह है वो उभर कर सामने आ जाती है, जो कि अनुपजाऊ है, जिसमें किसी प्रकार की खेती करना संभव नहीं है। तो वनारोपण मिट्टी को जल के अपरदन से संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। इसमें जो संरक्षी वन है उनको पट्टियों के रूप में उस क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर जल के द्वारा अपरदन की जो क्रियाएँ हैं वो क्या होती हैं, अधिक होती हैं। अर्थात जहाँ जल जो क्षेत्र है जहाँ पर जल का बहाव अधिक है, तेज़ी से पानी बहता है, उसके आर पार, पानी के बहने की दिशा के आर पार वनों की क्या लगा दी जाती हैं, पट्टियाँ लगा दी जाती हैं चौड़ाई में, जिससे कि जो पानी प्रवाहित हो रहा है वो इन पट्टियों से रुककर धीरे धीरे आगे बढ़े। इसी प्रकार वायु का जो तेज प्रवाह है उसको रोकने के लिए वायु के मार्ग में क्या लगाई जाती हैं, वृक्षों की पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे कि वायु की जो तीव्र गति है उसको कम किया जा सके और उसके साथ उड़ने वाली जो रेत है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाए। इसके अलावा समोच्च रेखी जुताई, यानी कि मिट्टी को अगर संरक्षित करना है तो समोच्च रेखी जुताई भी इसके लिए आवश्यक है। ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा कारगर साबित होती है जहाँ पर ढालू क्षेत्र, अर्थात पर्वतीय क्षेत्र जहाँ के ढालों पर लोग खेती करते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर समोच्च रेखी जुताई की जानी चाहिए, जिससे कि उन ढालों से प्रवाहित होने वाला पानी धीरे धीरे रुक कर क्या होगा, नीचे की ओर उतरेगा और इस प्रक्रिया में उसका कुछ भाग जब पानी रुकता है इस तरह की जुताई के अंतर्गत तो ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो ऐसे में जो मिट्टी का कटाव है वो क्या होगा, रुक जाएगा।
इसके अंतर्गत ढालदार भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई की जाती है, जिससे ढाल की प्रवणता विभिन्न स्थानों पर क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। जल के तीव्र बहाव में रुकावट उत्पन्न होती है और उसकी अपहरण शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा समुच्च पट्टियों में कई प्रकार की फसलों को भी बोया जाता है, जिससे यदि ऊपरी पट्टियों में मृदा अपरदन होता है तो नीचे वाली जो पट्टी है जिसमें फसलें उगी रहती हैं उसके द्वारा क्या कर ली जाती है, रोक दी जाती है। इससे फसलों को भी क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि ऊपर से बहकर जो मिट्टी आ रही है उसके जो पोषक तत्व हैं ये फसलें क्या करती हैं, उसको बहने से रोक लेती हैं और उनकी जड़ों में इस तरह की जो उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। तो ऐसे में फसल क्या हो जाती है, अधिक हष्टपुष्ट हो जाती है। समुच्च रेखीय जुताई से ढालों के पानी धीरे धीरे प्रवाहित होता है, जिससे इन पट्टियों द्वारा वर्षा के जल को अवशोषित कर लिया जाता है और भूमि में जल स्तर भी क्या रहता है, ऊंचा बना रहता है और मिट्टी में भी क्या रहती है, नमी बनी रहती है। इस प्रकार की जो विधि है उससे जो मिट्टी का अपरदन है उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको काफ़ी हद तक क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके अलावा वैदिकाकरण, मिट्टी अपरदन को रोकने की जो अगली विधि है वो है वैदिकाकरण। वैदिकाकरण से मतलब यहाँ पर ये है कि जो ढालू क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उन ढालों पर यानी कि पहाड़ों के ढालों पर छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत बना दिए जाते हैं जो आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसे में ये छोटे छोटे सीढ़ीदार जो खेत होते हैं वर्षा के पानी को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, या इन खेतों में वो पानी पहले भरता है फिर धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार वर्षा का जल जब इन सीढ़ीदार खेतों में आके रुकता है तो अधिकांश पानी मिट्टी के अंदर क्या होता है, चला जाता है और वो धीमी गति से क्या होता है, इन ढालों से नीचे की ओर प्रवाहित होता है या नीचे उतरता है। धीमी गति से प्रवाहित जल अपरदन कम करता है और प्रवाहित जल अपरदित मृदा को भी खेतों में ही क्या करता है, निक्षेपित करता हुआ आगे बढ़ता है। यानी कि अगर पानी की जो गति है वो धीमी रहेगी तो उसके साथ बहने वाली जो मिट्टी है उसको भी वो अपने साथ बहाकर ले जाने में असमर्थ होता है और ऐसे में उसे क्या करना पड़ता है, उस मिट्टी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम वैदिकाकरण की जो विधि है पहाड़ी ढालों पर इसको अपनाते हैं तो उससे जो मृदा अपरदन की समस्या है उसको कम किया जा सकता है और मृदा को अनावश्यक रूप से नष्ट होने से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इस प्रकार की जो खेती की जाती है वो इंडोनेशिया में, जापान में या मध्य जो एशिया है जो पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है उसमें अधिक की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जैसे हम जापान की बात करें तो जापान में कृषि भूमि की बहुत कमी है। ऐसे में वहाँ पर जो अधिकांश खेती की जाती है वो पहाड़ी ढालों पर इसी प्रकार के जो छोटे छोटे खेत हैं उनमें की जाती हैं। इनको हम खेत नहीं कह सकते, इनको अपन एक जो बड़ी सी हमारे यहाँ जिसे हम क्यारी बोलते हैं उस रूप में जान सकते हैं, तो इनका आकार लगभग इतना ही बड़ा हो सकता है। इसके अलावा मृदा अपरदन की जो बात करते हैं तो उसमें अगला है आवरण फसलें। आवरण फसलों से यहाँ पर तात्पर्य ऐसी फसलों से है जिनकी जड़ें कैसी होती हैं, संगठित होती हैं और गुच्छेदार होती हैं, और उन फसलों के अंदर यानी कि ऊपर जो पत्तियां हैं वो बड़ी सघन मात्रा में आती हैं। यूं कहें कि अगर हम उस फसल को बोने के बाद अगर हम देखें तो आपको पूरा खेत एक तरह से छत के समान दिखाई देगा, यानी कि इतनी सघन पत्तियां उसमें आती हैं कि आपको उस खेत की मिट्टी ऊपर से झांकने पर भी दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी आवरण फसलों को बोने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो इन जो आवरण फसलें, ऐसी आवरण फसलें हैं उनकी जो जड़ें हैं वो गुच्छेदार होती हैं और वो मिट्टी को क्या करती हैं, संगठित रखती हैं, और जब अगर उनके बीच से पानी प्रवाहित भी होता है तो ये जो गुच्छेदार जड़ें हैं मिट्टी को जकड़े रखती हैं, संगठित रखती हैं और उसको बहने से क्या करती हैं, बचाती हैं। इसके अलावा जो इन फसलों के ऊपर पत्तियां आती हैं वो इतनी अधिक होती हैं कि जब वो सूखती हैं तो उस मिट्टी के अंदर ही क्या होती हैं, गिर जाती हैं और ये क्या करती हैं, मिट्टी को एक तरह से खाद प्रदान करती हैं। जब ये जो फसलें हैं इनकी जो पत्तियां हैं
सूख कर जमीन के अंदर गिरती हैं तो उसमें सड़ गल कर क्या करती हैं, एक तरह से जैविक खाद का निर्माण करती हैं। तो ऐसा खाद मिट्टी को पोषण प्रदान करता है और इस तरह की मिट्टियों में उगने वाली जो फसलें हैं वो भी क्या होती हैं, बहुत अच्छी पैदावार देती हैं। तो इस तरह की फसलों को अगर हम अपनाते हैं तो मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। ऐसी फसलों में मुख्य रूप से जो दालें और जो लताओं वाली फसलें हैं वो मुख्य रूप से आती हैं, जैसे हम सोयाबीन की बात करें, चने की बात करें या और दूसरी ऐसी फसलें हैं जिनमें इस तरह की सघन पत्तियाँ आती हैं। मिट्टी अपरदन को रोकने का अगला जो विधि है वो है स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध। स्थानांतरित कृषि से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिन क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं वहाँ पर रहने वाली जो आदिम जनजातियाँ हैं वो एक स्थान पर रुककर अपना जीवन यापन नहीं करती हैं, बल्कि कुछ एक दो साल एक स्थान पर रहकर वहाँ जंगल से वनस्पति आवरण को हटाकर खेती के लिए खेत तैयार करती हैं। और जब उनका उस खेत की का उपजाऊपन कम हो जाता है, यानी कि उसकी उत्पादकता घट जाती है, तो ये लोग उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र जाकर क्या करते हैं, वनस्पति आवरण को हटाते हैं और खेती के लिए जो ज़मीन है वो तैयार करते हैं और फिर से उसमें खेती करते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसे में ये लोग यानी कि आदिम जनजातियाँ जो वन क्षेत्र है उसमें से वनस्पति के बड़े भाग को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो वनस्पति है वो जो मृदा अपरदन है उसको रोकने का एक कारगर साधन होता है। तो ऐसे में यदि बड़ी मात्रा में वनस्पतियों या वनों को साफ किया जाएगा तो पानी के प्रवाह द्वारा मिट्टी का बड़ी मात्रा में क्या होगा, विनष्टीकरण होगा, अर्थात मृदा अपरदन की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, एकाएक बढ़ जाएगी। इसलिए इस तरह की कृषि पर तुरंत प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है, जिससे कि जो वनस्पति का एक जो बड़ा भाग है उसको नष्ट होने से क्या किया जा सके, बचा जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को स्थायी कृषि के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, उनको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि जो आप बार बार इस तरह की जो वनस्पति को हटाकर खेती करते हैं एक ही स्थान पर रुककर आप खेती करें। इसके लिए उन्हें कृषि संबंधी प्रशिक्षण सुविधाएं और आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि वो लोग स्थायी जीवन यापन करने के लिए प्रेरित हो सकें और जो बड़ी मात्रा में इस तरह का जो वनस्पति आवरण काटा जा रहा है उसको काटने से रोका जा सके। इसी क्रम में आगे मृदा अपरदन को रोकने की जो विधि है वो है पशुचारण पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग। अनियंत्रित पशुचारण से भी भूमि पर से वनस्पति आवरण समाप्त हो जाता है और मिट्टी के कण ढीले होकर अपरदित हो जाते हैं। इसके अलावा अनियंत्रित पशुचारण से छोटे छोटे पौधों को पैरों से रौंदकर नष्ट कर दिया जाता है और कुछ पौधों को जो पशु होते हैं वो जड़ से ही उखाड़कर क्या करते हैं, खा जाते हैं। इससे वनस्पति आवरण नष्ट होता है और मृदा अपरदन की जो संभावनाएं हैं वो और क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ये आवश्यक है कि जो इस तरह का अनियंत्रित पशुचारण है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि जब ये पशु इस तरह के वनस्पति क्षेत्र में जाके विचरण करते हैं और अपना पेट भरने के लिए जो वनस्पति के जो पेड़ पत्तियां हैं या टहनियां उनको खाते हैं, तो इनके पैरों से बड़ी मात्रा में जो छोटे छोटे पौधे अभी उगना शुरू ही हुए थे और बाद में जाकर वो बड़े वृक्ष के रूप में विकसित होते, वो उगने से पहले ही क्या कर दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो पशु चारण है उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि कुछ क्षेत्र निश्चित चारागाह के रूप में विकसित किए जाएं कि यहीं पर क्या होगा, आप पशु चारण के लिए अपने पशुओं को क्या करा सकते हैं, विचरण करा सकते हैं। मृदा अपरदन की जो अगली विधि है उसमें अवनालिकाओं पर बांध बनाना। अवनालिका पर से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी के बहाव से उस धरातल को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, अर्थात उसमें अनेक जो पानी के कटाव से नालियां बन जाती हैं, तो ऐसे में वो धरातल एक तरह से कटा फटा धरातल दिखाई देता है। अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए इन अवनालिकाओं में स्थान स्थान पर बांध बनाए जाने चाहिए। बांध बनाने से तात्पर्य यहाँ पर ये बड़े बड़े वाले बांध नहीं हैं, जिन्हें हम आप देखते होंगे कि आपके गांवों के आसपास भी जो छोटे छोटे नाले हैं उनमें छोटे छोटे एनीकट बनाए जाते हैं जिन्हें हम चेक डैम कहते हैं।
इससे क्या होता है कि उन छोटी छोटी नालियों में जो पानी बहता है वो रुक जाएगा और उसके साथ बहने वाली मिट्टी भी क्या होगी, रुक जाएगी और उस दीवार के पीछे आकर क्या हो जाएगी, एक तरह से निक्षेपित हो जाएगी। अधिक तेज ढालों पर इन बांधों को पास पास तथा कम ढालदार भूमि पर दूर दूर बनाया जा सकता है। इन बांधों से अवनालिकाओं में जल का तीव्र प्रवाह रुकता है, जिससे वे अपने साथ ऊपरी भागों से अपरदित करके लाई गई मिट्टी को भी क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं और धीरे धीरे ये अवनालिका मिट्टी से भर जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि भविष्य में अगर हमारे पास कृषि भूमि की कमी पड़ती है तो इस तरह की जो हमने ये छोटे छोटे चेकडैम बनाए हैं या छोटे छोटे जो बांध या दीवारें बनाकर हमने मिट्टी को रोका है, भविष्य में इनको खेतों के रूप में या कृषि भूमि के रूप में विकसित किया जा सकता है और कृषि भूमि की जो कमी निरंतर दुनिया के सामने आ रही है उस समस्या को इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करके कृषि भूमि को बढ़ाया जा सकता है और खाद्यान्न की जो कमी है उसको भी दूर किया जा सकता है। इस अवनालिका अपरदन का उदाहरण हमारे राजस्थान में विशेष रूप से जो चंबल बीहड़ है उसमें देखने को मिलता है, जिसको कि बैडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर जो वर्षा होती है उस वर्षा के पानी ने उस पूरे क्षेत्र को एक तरह से क्या कर दिया है, अनेकों अवनालिकाओं के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया है। तो ऐसे में इन पर इस तरह के छोटे छोटे बांधकर अपरदन को रोका जा सकता है।